नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हिनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, अगर किसी की वाइटेलिटी कम है यानी कि शरीर में कमजोरी बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम है यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, पेशेंट जो है बार बार बीमारी की चपेट में आता रहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी जर्मन कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। R26 यानी कि R26 होम्योपैथी कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका प्राइस है, कैसे इस होम्योपैथी कॉम्बिनेशन को आपको लेना है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो R26 जो जर्मन कॉम्बिनेशन है वो बनाया गया है ड्रेनिंग और स्टिमुलेटिंग ड्रॉप्स के फॉर्म में। ड्रेनिंग और स्टिमुलेटिंग ड्रॉप्स का यहाँ पर मतलब है ये हमारे स्टिमुलेट करता है पूरे इम्यून सिस्टम को, यानी कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, डिजीज के प्रति जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो किसी की कम हो गई है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी बनी रहती है, तो वो पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो इसका लक्षण है वो ये कि शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी बनी रहती है। दूसरा जो लक्षण है वो ये कि पेट पेशेंट का ठीक नहीं रहता, पेट में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, जो हमारा आमाशय वाला हिस्सा है उसमें बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, क्रैम्प्स की समस्या भी बनी रहती है, जो हमारे एब्डोमेन के मसल्स है उसमें क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी पेशेंट के मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट में कंजेशन बना रहता है यानी कि म्यूकस या फिर बलगम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है और लंग के डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फेफड़ों में अगर कोई बीमारी है, बहुत ज्यादा बलगम बन रहा है किसी पेशेंट को, कमजोरी बनी रहती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिमुलेटिंग ड्रॉप है यानी कि हमारी लो वाइटेलिटी को कम करती है, वाइटेलिटी को बढ़ाती है, और स्टिमुलेटिंग ड्रॉप है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यानी कि इम्यूनिटी को भी हमारे बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा है। चार होम्योपैथिक दवा मेनली इसमें अवेलेबल है, वो है सबसे पहली जो मेडिसिन इसमें अवेलेबल है वो है एसिड नाइट्रिकम होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें अवेलेबल है। जब बहुत ज्यादा धड़कन किसी की बढ़ती रहती है, पेल्पिटेशन जिसको हम बोलते हैं, पेशेंट को धड़कन की आवाज जो होती है वो बाहर फील होने लगती है, महसूस होने लगती है, साथ में पेशेंट को रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है और उसके बाद एग्जॉस्टेड हो जाता है, पेशेंट एकदम थका मांदा चूर चूर हो जाता है जब पेशेंट, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन इसमें अवेलेबल है वो है एसिड वॉस, जनरल जो होता है एग्जॉशन जिसमें बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा कमजोरी मिलती है। तीसरी मेडिसिन इसमें अवेलेबल है कैल्केरिया जॉडेटम, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना हो रहा हो बॉडी में, या विस्कोसिटी कम हो गई हो ब्लड की, तो विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए ब्लड का इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथी मेडिसिन जो इसमें अवेलेबल है वो है फेरम जॉडेटम, जिसका तब इस्तेमाल किया जाता है जब ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ठीक तरीके से वर्क नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती है मेडिसिन, स्टमक की कोई कंप्लेंट है यानी कि पेट से संबंधित, पेट में बहुत ज्यादा दर्द बना रह रहा है, तो स्टमक के डिसऑर्डर में, आमाशय संबंधित रोगों में ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये सारी चारों दवाओं को मिलाकर के होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो अगर आप लो फील करते हैं, बहुत ज्यादा वाइटेलिटी कम है, डिजीज की चपेट में, बीमारी की चपेट में किसी भी बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, सर्कुलेशन ब्लड का ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने लक्षण बताए। ये एक एडिशनल ड्रॉप्स है यानी कि आपकी कोई होम्योपैथिक दवा चल रही है किसी भी बीमारी के लिए, उसके साथ एक एडिशनल ड्रॉप्स के फॉर्म में इसको आप ले सकते हैं। डोजेस की बात करें इसको आपको कैसे लेनी है, तो इसकी 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी में लेनी है रोज, दिन में एक बार। जैसा कि मैंने बताया कि ये एडिशनल ड्रॉप्स के फॉर्म में, एडिशनल मेडिसिन के फॉर्म में आपको लेना है, साथ में कोई ना कोई होम्योपैथिक दवा या फिर इलाज आपका चल रहा होगा, उसके साथ डिजीज के रेसिस्टेंस को यानी कि बॉडी के रेसिस्टेंस को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप दिन में एक बार इसको थोड़े से पानी में 10 से 15 बूंद लेकर डालकर उसको पी जाना है, या फिर अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप इसको ले सकते हैं। प्राइस के बारे में जाने तो आपको 240 रुपए पे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।